तो फ्रेंड्स, ये SSPEC की तरफ से नया वाला फॉगलेट है ट्रिपल लेंस है। तो मैंने बीच में वीडियो बनाया था मैंने बाबा वाली फॉगलेट का, तो सेम वैसे ही फॉगलेट है, सेम है बॉडी वैसा। थोड़ा सा एक फंक्शन इसमें कुछ चेंज किया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये सेम वैसे SSPEC वाला ही, ये आपको जो है जोड़ी में आपको मिलेगा। तो एक बॉक्स में एक ही पीस है, तो हम लोग एक बॉक्स को साइड में कर देते हैं। तो ये वाला ओपन करते हैं तो आपको जो ऐसे क्लैंप्स वगैरह मिलेंगे, स्क्रू आपको ये सब मिल जाएंगे आपको। और ये जो है ये फॉगलाइट तो सेम वैसे ही है, बाबा वाली फॉगलाइट ही है ये, सेम टू सेम वैसे ही है। बॉडी वगैरह सब कुछ सेम है, इसमें कुछ चेंजेस कुछ नहीं है। सिर्फ चेंजेस है इसमें, एक ही चेंज किया है कि बाबा में येलो ऊपर था, वाइट नीचे होता था, और लेकिन ये वाली जो फॉगलाइट है इसमें वाइट ऊपर और येलो नीचे दिया हुआ है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे के वैसे ही फॉगलाइट है, सिर्फ सब सेम टू सेम वैसे ही है। लेंस भी वगैरह सब कुछ सेम ही है। तो इसका भी जो है हम लोग क्या करेंगे, ब्राइटनेस हम लोग चेक करते हैं। इसका भी आपको मैं डेमो दिखाता हूँ, और ऑन रोड ब्राइटनेस कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी इसका प्राइस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो इसका डेमो चेक करते हैं, तो ये सबसे पहले वाइट स्टार्ट हो गया। तो वाइट जो है काफ़ी अच्छा स्प्रेड है इसका, इसका स्प्रेड काफ़ी अच्छा है और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसका। तो इसका हम लोग देखेंगे, तो ये देखिए वाइट का जो है 18.9 वाट, मतलब 20 वाट हो गया, और 1.5 एम्पेयर का पावर कंजम्पशन हो गया एक का। तो 2 का 3 एम्पेयर का पावर कंजम्पशन हो जाएगा, और ये 20 वाट का एक है, वाइट है। और दूसरी साइड पे जो है इसका दूसरा वायर जो है येल्लो का है, तो येल्लो का भी सेम वैसे ही 20 वाट हो गया। तो मतलब 20 20 40 वाट का एक हो गया, और टोटल अगर 2 का करेंगे तो 80 वाट हो जाएगा। लेकिन एट अ टाइम जो है ना सिर्फ एक ही लाइट आपका जलने वाला है, या तो वाइट या तो येल्लो, ठीक है। तो ये मतलब 40 वाट एक ही टाइम पे यूज़ होगा, और 3 एम्पेयर का पावर कंजम्पशन हो जाएगा। वापस एक बार दिखा देता हूँ, तो ये हो गया वाइट का। वाइट का हम देखेंगे तो 19 वाट कंजम्पशन हो रहा है, और 1.5 एम्पेयर का पावर कंजम्पशन है। और येल्लो देखेंगे तो येल्लो का भी सेम वैसे ही 19 वाट और 1.5 एम्पेयर का पावर कंजम्पशन हो गया। इसमें दोनों एक साथ स्टार्ट करके देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो एट अ टाइम पे एक ही कलर जलेगा। तो ये देखिए ये हो गया वाइट और ये हो गया येल्लो। तो इसको जो है आप एक्टिवा पे भी आप इसको लगा सकते हैं, अगर आपको एक्टिवा पे लगाना है तो आप एक्टिवा पे भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि 3 एम्पेयर का पावर कंजम्पशन है, तो ये सेफ़ है ये, तो ये आप इसको लगा सकते हैं। अभी जो है मैं आपको इसका ऑन रोड ब्राइटनेस दिखाता हूँ वो कैसा दिखेगा। तो ये SSPEC का 3 लेंस वाला फॉगलाइट है, ये स्लिम बॉडी वाला। अपने यहाँ पे मैंने इसको अपने लेग गार्ड पे लगाया हुआ है, अपन इसका भी ब्राइटनेस चेक करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, तो ये आ गया वाइट आ गया। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, अपन ऐसा रखते हैं इसको। तो ये देखो ये वाइट हो गया, काफ़ी अच्छा स्प्रेड है इसका, स्प्रेड बहुत अच्छा दिख रहा है। साइड से देखेंगे, यहाँ से देखिए इसको, तो फॉगलाइट को यहाँ पे लेग गार्ड पे लगाया हुआ है, क्योंकि जितना नीचे रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना, लेकिन अगर ऊपर करेंगे तो इतना स्प्रेड अपने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये देखिए ये ज़्यादा काफ़ी अच्छा स्प्रेड अपने को मिल रहा है ऐसा वाइट का। ये सिंगल है, अगर 2 लगा देंगे तो और भी ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा, काफ़ी सारा ब्राइट है ये। इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, इसको ऐसा चाहिए तो ऐसा ऊपर कर सकते हैं, जितना अपने को चाहिए रिक्वायरमेंट है उतना आप कर सकते हैं। तो ये येल्लो है, सॉरी वाइट है, दूसरे साइड पे येल्लो हो जाएगा। तो येल्लो जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि डबल LED में ऐसा होता ही है। अगर आपको येल्लो अगर चाहिए तो आप इसको मेन फोकस में आप इसको येल्लो ऐसा डाल सकते हैं। यहाँ पे येल्लो काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, स्प्रेड भी आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि 3 लेंस का है। अभी वाइट चालू करूँगा तो वो ज़्यादा ऊपर चले जाएगा। तो देखिए वाइट जो है ऊपर पेड़ पर चला गया, और इसको ये येल्लो। तो इसको आप कैसा भी लगा सकते हैं, अगर आपको उल्टा लगाना था उल्टा भी लगा सकते हैं, आपको सीधा लगाना है तो सीधा भी लगा सकते हैं। तो ये येल्लो ऐसे यहाँ पे आ गया, और वाइट जो है थोड़ा सा लंबा चला गया, ऐसा भी आप फोकस आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वाइट जो है ना आगे चला गया, और येल्लो जो है यहाँ पे आ रहा है। तो मैं अभी आपको जो है ना ऐसे बाइक से उतर के आपको दिखाता हूँ कितना लंबा तक जा रहा है। तो ये देखिए ये मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी है, और ये देखिए फोकस इतना यहाँ तक आ रहा है, तो ठीक है चलेगा इतना, ये भी बराबर सेटिंग का है। तो ये देखो, तो ये वाइट जो है ना यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक अराउंड 3-4 मीटर का गैप है बीच में बाइक का और लाइट का। तो देखिए ये वाइट आ रहा है और येल्लो यहाँ पे आ गया। आपको ऐसा उल्टा भी लगाएंगे तो वो भी अच्छा काम करेगा, वैसा भी चला कर सकते हैं। तो ये फॉगलाइट अगर आपको परचेस करना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्राइस डिटेल्स सारे परचेस लिंक वगैरह सब कुछ आपको जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।